हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गंजति स्टडी सेंटर। आज दशम मान श्रेणी साधारण विज्ञान मानुर चुक और बारेबरणिया पृथ्वी ये अध्याय विषय आलोचना लैसो। मानुर चकुजोर हल अमूल्य और अति संवेदनशील अनुभूत इंद्रिय। चकुर जरिए आम विस्मयकर जगत चौदिशे थका सकोबूर बस्तु आम देखा पाँ। मानुर चकु हल अति अमूल्य सम्पद। चकुर किसान अंग आसे जने कर्णिया, आइरिस, चकुर मणि, पक्षीपद रेटिना और नेत्र स्नायु, यहाँ हल आम चकुर एक एक अंग। आम चकुर जी अक्षिगोलक अक्षिगोलक जी व्यास व्यास तो हल 2.3 सेन्टिमिटार। मानुर चकुर जी लेंस थके लेंस तो हल उत्तल लेंस। मानुर चकुर जरिए आम बस्तुटार जी प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब कत गठन करो जो मानुर चकुए बस्तुटार प्रतिबिम्ब गठन कर स्थान नाम हल उक्षिपट। आम बस्तुटार प्रतिबिम्ब उक्षिपट गठन करूँ उक्षिपट आम बस्तुटार प्रतिबिम्ब गठन करूँ। आमार जिबलाक बैद्युतिक संकेत बैद्युतिक संकेत आम क्या बस्तु देखार लगेगे बस्तुटो जे देखा पासी आम जी बैद्युतिक संकेत बैद्युतिक संकेत आम मगजुले प्रेरण कर जीवन नेत्र स्नायु अप्टिकल अप्टिक नार्व बुली कहा है नेत्र स्नायुर जरिए बैद्युतिक संकेत आम मगजुले प्रेरण है। मानुर चकुर किसु उपयोजन क्षमता बा पावर अफ एकोमोडेशन क्या है जो उपयोजन क्षमता हल जे चकुर लेंसर प्रकाश दैर्घ्य साल सलनी क्षमता उपयोजन क्षमता बोले। चकुर लेंसर प्रकाश दैर्घ्य साल सलनी क्षमता उपयोजन क्षमता बोले। चकुर किसु निम्नत स्पष्ट दृष्टिर निम्नतम दूरत आसे जैक आम निकटबिंदु क्या है जे चकुर पड़ा जी निम्नतम दूरत बस्तु स्पष्टक और कृत्य साधन नक देखा पा जाए तक स्पष्ट दृष्टिर निम्नतम दूरत बोले। ये स्पष्ट दृष्टिर निम्नतम दूरतक आम निकटबिंदु कब पार। मानुर चकुर निकटबिंदुर एट सीमा आए निकटबिंदु तो हल 25 सेन्टिमिटार। 25 सेन्टिमिटार बस्तु आम स्पष्टक देखा पाले तर दूरत हम लगे आम कि 25 सेन्टिमिटार चकुर निकटबिंदु दूरत तो हल 25 सेन्टिमिटार। और चकुर एट कि दूरबिंदु आए चकुए स्पष्टक देखा पा आटको दूर बिंदुटे दूरबिंदु क्या है और दूरबिंदु सदा असीम गठित है गति आम एखार कथा गम पाल निकटबिंदु और दूरबिंदु निकटबिंदु दूरत तो हल 25 सेन्टिमिटार और दूरबिंदु दूरत हल असीम दूरबिंदु असीम गठित है। आम चकुर किसान विकार आसेज आसेारल तीन प्रकार विकार विकार चकुर विकार हल तीन प्रकार एट हल मायोपिया एट हल हाइपरमेट्रोपिया और एट हल प्रेसबायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टिग्रस्तता जो मायोपिया हल चकुर विकार जे मायोपिया विकार थका व्यक्ति एजने ऊर बस्तु भलको देखा पाए कि दूर बस्तु स्पष्टक देखा नपाय। जो मानुर मानने मायोपिया विकार है मायोपिया विकार थका व्यक्ति ऊर बस्तुव स्पष्टक देखा पाए कि दूर बस्तु स्पष्टक देखा नपाय। ये विकार तो आम के प्रतिकार कर उपयुक्त क्षमतार अबतल लेंस व्यवहार कर यह विकार प्रतिकार कर पड़ो। मायोपिया विकार तो प्रतिकार लेंस लगे अबतल लेंस चश्मजोर कि हम लगे अबतल लेंसर द्वारा गठित हम लगे। ये मायोपिया विकार हर किसान कारण आसि कारण मायोपिया विकार हम पे जे चकुर लेंसर जो अत्यधिक वक्रता है चकुर लेंस जो वक्रता बेसि है तैयार हमें मायोपिया विकार हम पे और अक्षिगोलक अवस्था जो दीघल अवस्था है अक्षिगोलक दीघल अवस्था तैयार हमें कि हम पे मायोपिया विकार हम पे। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया हल चकुर विकार
এই বিকাৰ থকা ব্যক্তি আছেনে দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা পায় কিন্তু ওচৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা নাপায়। হাইপারমেট্রোপিয়া হওয়ার লগে বা হাইপারমেট্রোপিয়া হওয়া ব্যক্তি এজনে দূরের বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা পাব কিন্তু ওচৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা নাপায়। এই বিকাৰটো আমি কেনেকৈ প্রতিকার কৰিব পাৰো? যে উপযুক্ত ক্ষমতার উত্তল লেন্স ব্যবহার করে এই বিকাৰ আমি প্রতিকার কৰিব পাৰো। হাইপারমেট্রোপিয়া বিকাৰ হওয়ারও দুটা কারণ আছে। যে এক নম্বর কারণটা যদি আমি কও যে চকুর লেন্সর ফোকাস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশি, চকুর লেন্সর ফোকাস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশি হলে হাইপারমেট্রোপিয়া বিকাৰ হয়, আর অক্ষিগোলকটো যথেষ্ট সরু, আর অক্ষিগোলকটোর অবস্থাটো যথেষ্ট সরু হলে হাইপারমেট্রোপিয়া বিকাৰ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে। আর তিন নম্বর বিকাৰটো হল প্রেসবায়োপিয়া। প্রেসবায়োপিয়া হল এনেকুৱা এটা বেমার যে যেটো মানুষের বয়সের মানে লাস্ট স্টেজ বলে কব পারো আমি, যে বয়স বৃদ্ধির লগে চকুর উপযোজন ক্ষমতা কমি অহাকে প্রেস বায়োপিয়া বলে। সেই প্রেস বায়োপিয়া থাকা ব্যক্তি এজনে যে উপযুক্ত ক্ষমতার দ্বিফোকাসযুক্ত সংশোধনীমূলক লেন্স ব্যবহার করে এই বিকার প্রতিকার করব। দ্বিফোকাসযুক্ত যেনেকা ধরো চশমা এটার উপর অংশ একটা লেন্স আছে, তলর অংশ একটা লেন্স আছে, গতি দ্বিফোকাসযুক্ত একটা উত্তল লেন্স লগা থাকিব, একটা অবতল লেন্স লগা থাকিব, আর চকুর সেই কিমান পরিমাণের পাওয়ারের উপর ভিত্তি করে একটা উপযুক্ত সংশোধনীমূলক লেন্সে আমি কি করব, দ্বিফোকাসযুক্ত সংশোধনীমূলক লেন্স ব্যবহার করে এই প্রেস বায়োপিয়া বিকারটো প্রতিকার করব। তো আজিল ইমানেই। যদি মোর ভিডিওটি ভাল পাইছে অনুগ্রহ করে মোর ভিডিওটি লাইক করব, শেয়ার করব আর এটা সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।